जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माई एजुकेशन। तो हम लोग सीख रहे हैं राइटिंग स्किल। जैसे कि इंग्लिश बोलने में आपको स्पीकिंग करने में चार चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट लिसनिंग, लिसन लिसन लिसन। सेकंड स्पीकिंग, स्पीक ट्राई टू स्पीक। थर्ड रीडिंग और फोर्थ राइटिंग। ठीक है, जो भी आप अगर लिखने में सक्षम हो गए तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश मजबूत हो रही है, आपको इंग्लिश पे पकड़ हो रही है। यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो राइटिंग का एक हम लोग सीरीज चालू किए हैं, जिसमें बहुत तरीके के राइटिंग हम लोग सीख रहे हैं। राइटिंग की एक नहीं होता है, न्यूज़पेपर राइटिंग, कॉलम राइटिंग, बुक राइटिंग, वो सब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक्स होता है ए से। तो ए से हम लोगों ने सबसे पहले किया टेक्नोलॉजी पे। सेकेंड हम लोगों ने किया डायरी एंट्री, जो कि जर्नल हम बोलते हैं, कि हर दिन दिन प्रतिदिन आपको अगर इम्प्रूव करना है राइटिंग, तो आप अपना डे टू डे का जर्नल लिखो। तो जर्नल हम लोगों ने किया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नोटिस मैसेज, नोटिस किया। नोटिस कैसे लिखा जाता है, जैसे कि कोई टीचर कोई नोटिस देना चाहता है स्टूडेंट्स को, कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ नोटिस देना है, तो वो कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ईमेल राइटिंग सीखा, ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं। ये तो बहुत कॉमन चीज, जैसे व्हाट्सएप भेजते हैं वैसे ईमेल भेजते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग क्या होता है, मान लो आप घर पर नहीं होने वाले हो अभी एक घंटा में, और कोई आपकी बहन के दोस्त या भाई के दोस्त आपको कुछ मैसेज देते हैं और आपको बहन या भाई तक पहुंचाने वाले हैं, आपको पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, जो मैसेज आपको मिला है उस मैसेज को एक पेज पर लिखकर उसके रूम में या कहीं जहां पे वो देख ले आसानी से, वहां आप रख दोगे, स्टडी टेबल पर आप रख दोगे, और आपको कहीं जाना है तो फिर आप चले जाओगे। आप मान लो बिना फोन का जा रहे हो, उसको वो वहां तक उसके पास तक फोन नहीं पहुंच रहा है, आप कहीं ऐसे जगह हो जहां फोन का नेटवर्क नहीं है, तो उस जगह पर मैसेज राइटिंग काम करता है। तो यहां पर ये बात है कि तीन लोग है, पहले मैसेज जब भी राइटिंग होगा तो तीन लोग का होना अति आवश्यक है, बिना तीन लोगों के मैसेज राइटिंग नहीं हो सकता है। या फिर दो लोग, तो मतलब दो लोग तो इनसेंशियल है, क्योंकि मान लो आपको भी किसी को मैसेज देना हो सकता है, आप मान लो कहीं जा रहे हो और अपनी मम्मी को मैसेज देना चाहते हो कि अभी मैं दो दिन तक घर नहीं आऊंगा, या तीन घंटे के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, या आज शाम पे मैं पार्टी करने जा रहा हूँ और आपकी मम्मी घर पर नहीं है और आप बिना फोन के जा रहे हो, तो आप मैसेज लिख करो चिपका दोगे फ्रिज पर, मम्मी फ्रिज खोलेंगी, मैसेज पढ़ लेंगे, उनको शांति मिल जाएगा कि उनका बेटा या बेटी कहाँ पे है। तो ऐसे ही मैसेज राइटिंग के लिए दो या तीन, दो से अधिक लोग होना अति आवश्यक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या फॉर्मेट होने वाला है, मैसेज राइटिंग जब भी लिखा जाता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि ए पर्सन बी को देता है और बी पर्सन को सी तक पहुंचाना रहता है। ए पर्सन सी को पहुंचा नहीं सकता है, इसलिए बी मीडियम बनता है, बी रास्ते का मीडियम बनता है जिसके ऊपर ये मैसेज जाता है सी तक। ठीक है, अगर आप क्लास 5 से लेकर 12th के स्टूडेंट हो तो ये तो अति आवश्यक है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको भी कोई मैसेज किसी को देना रह सकता है, देना हो सकता है। तो देखो, मैसेज राइटिंग का सबसे पहला फॉर्मेट ये होना चाहिए कि आपको लिमिटेड वर्ड्स में मैसेज को कन्वे करना है, मतलब मैसेज को पहुंचाना है। कन्वे करना मतलब पहुंचाना, बताना। लिमिटेड वर्ड, वो 50 वर्ड्स हो सकते हैं, 80 वर्ड्स हो सकते हैं, कम से कम शब्दों में आप मैसेज पहुंचा दो तो वो मैसेज इफेक्टिव होता है। ठीक है, देखो ऐसे नहीं लिख रहे हो, मैसेज लिख रहे हो एक छोटा सा, पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था तो इसीलिए मैसेज लिखने के लिए सिखाया जाता था बच्चों को। सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक बॉक्स के अंदर मैसेज ज्यादा सुंदर लगता है, तो एक बॉक्स ड्रॉ हो गया, ऊपर कैपिटल वर्ड्स में, कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं मैसेज, मैसेज यहाँ पे नोटिस नहीं, वहां नोटिस, यहाँ पर मैसेज। आगे जो ये तीन लाइन होता है, यहाँ पर ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले डेट डालते हैं, तो मान लो कोई भी डेट हो सकता है, 21, 22, 25, 23, जो भी, 21st सितंबर 2022, तो 2022 को 22, उसके बाद टाइम होना जरूरी है, किस टाइम पे आप ये मैसेज लिखे हो, तो वो टाइम जो भी हो रहा है 9:30, 9:50, 9:20, तो आप वहां पे 9:30 AM मतलब मॉर्निंग का टाइम है लिख दिए। अब यहाँ पे प्लॉट क्या है, आपको एक जो भी जैसे नोटिस या मैसेज आएगा तो एक प्लॉट आएगा जो कि 3-4-5 लाइन का रहेगा, या एक मैसेज में कन्वर्सेशन आएगा फोन लाइन का, 5-7 लाइन का, इतना उसमें आपको मैसेज क्या लिखना है वो मैसेज उसी में रहता है।
नोटिस में क्या लिखना है वो नोटिस हेडलाइंस में ही रहता है। जैसे कि एसे में हो जाता है कि राइट एन एसे ऑन काउ, राइट एन एसे ऑन विलेज, बट नोटिस में ये नहीं होता है राइट एन नोटिस ऑन स्कूल, नोटिस में ये नहीं होता। नोटिस में कंटेंट दिया रहता है, क्या नोटिस में क्या इन्फॉर्म करना है ये दिया रहता है। तो मैसेज में यहाँ पे ये है कि आकांक्षा एक लड़की है जो कि घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है, ठीक है, और उसकी फ्रेंड का नाम वसुंधरा है। आकांक्षा के फ्रेंड का नाम वसुंधरा है। वसुंधरा फोन करती है तो फोन उठाती है प्रिया, फोन करती है वसुंधरा तो फोन उठाती है प्रिया। प्रिया पूछती, वसुंधरा पूछती है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू आकांक्षा, मैं आकांक्षा से बात करना चाहती हूँ। प्रिया बोलती है आकांक्षा इज नॉट एट द होम, आकांक्षा घर पर नहीं है। आकांक्षा और प्रिया दोनों बहन है, ठीक है, आकांक्षा इज नॉट एट द होम, आकांक्षा घर पर नहीं है। तो वसुंधरा बोलती है ओके, तो वो जो मैसेज होता है मैसेज में बोलती है कि आकांक्षा जब आएगी तो उसको बता देना कि आज जो मैथ्स का क्लास है, मैथ्स का क्लास आज नहीं होने वाला है, ये आज का क्लास सैटरडे को होगा। तो प्रिया बोलती है ठीक है, जब मैं आकांक्षा आएगी तो मैं बता दूंगी। तब तक प्रिया को कहीं जाने का प्लान बन जाता है, प्रिया का क्लास है या प्रिया की ड्यूटी है या प्रिया की ऑफिस है, कहीं इसको जाना रहता है। अब इसको जाना है तो अब ये क्या करे, ये दुविधा में पड़ गई, अब आकांक्षा को बताएं तो बताएं कैसे, और फोन नहीं है आपके पास। तो ये क्या करती है कि एक मैसेज लिखती है और उसके स्टडी टेबल पर ले जाकर रख देती है या उसके बेड में ले जाकर रख देती है, जहां पर वो इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो यही मैसेज में बताने की कोशिश की गई है। आइए हम पढ़ते हैं, समझते हैं। डियर आकांक्षा, प्रिया लिखती है, डियर आकांक्षा, प्रिय आकांक्षा, योर फ्रेंड वसुंधरा फ्रॉम योर मैथ्स क्लास हैज इन्फॉर्म्ड मी, योर एक सेकेंड इन्फॉर्म्ड मी, योर फ्रेंड तुम्हारी दोस्त वसुंधरा फ्रॉम योर मैथ्स क्लास, मैथ्स क्लास में जो तुम्हारी फ्रेंड वसुंधरा है वो मेरे को इन्फॉर्म की है, हैज इन्फॉर्म्ड मी दैट कि टुडेज मैथ्स क्लास इज कैंसल्ड ड्यू टू टीचर्स हैज अ फैमिली इमरजेंसी। आज का जो मैथ्स क्लास है वो कैंसल है। क्यों कैंसल है? क्योंकि टीचर को कोई फैमिली इमरजेंसी आ गया है, फैमिली इमरजेंसी आ गया है टीचर को, इसीलिए आज का क्लास कैंसल है। इट विल नाउ बी हेल्ड ऑन सैटरडे। अब ये जो क्लास है आज का, जो क्लास आज बंद रह रहा है, ये क्लास सैटरडे को होगा। यही मैसेज था जो कि आकांक्षा को देना था, और ये मैसेज दे दी तो नीचे लिख दी थैंक यू प्रिया। अब अपना नाम लिख दी, अब आप लिख सकते हो योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, जो भी आपका उसके रिलेशन में हो, जिस लड़की तक मैसेज पहुंचाना है, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अपना रिलेशन भी लिख सकते हो, आप फ्रेंड हो तो फ्रेंड लिख सकते हो। तो मैसेज राइटिंग यही होता है। आप कोशिश करो 2-4-10 मैसेज ऐसे ही लिखो, एक बार आप देख लो टोटल, तो ऐसे ही 2-4-5 अगर मैसेज लिखोगे, 2-4-5-10 आप अगर नोटिस लिखोगे, 2-4-5 ईमेल लिखोगे, तो आपका नोटिस, ईमेल और मैसेज तीनों इम्प्रूव हो जाएगा। तीनों में कोई एक्स्ट्रा आप मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जर्नल को तो आपको हर दिन लिखना होगा, यू हैव टू राइट एवरी डे जर्नल। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एसेज, एसेज कम से कम एक एसे एक दिन में लिखो। अगर आप जर्नल लिख रहे हो तो दैट इज ओके, अगर आप जर्नल नहीं लिख रहे हो तो राइट एन एसे एवरी डे, वन एसे एवरी डे लिखो, आप कोशिश करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सोचो समझो और एक सप्ताह में एक लिखने की कोशिश करो, बट एसे इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो यू विल सर्च फॉर द न्यू वर्ड्स, यू वुड सर्च फॉर द न्यू सेंटेंसेस, तो वैसे ही आप नए नए शब्द याद करोगे, ऐसे ही नए नए सेंटेंसेस आपके समझ में आएगी, फिर ऐसे ही आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। जब एक स्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, यू विल फील योर सेल्फ की नाउ यू आर इम्प्रूविंग, नाउ आई एम इम्प्रूविंग, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट बोला जाता है राइटिंग ही है, तो राइटिंग पे अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग स्किल थोड़ा बहुत पावरफुल हो चुकी है। यू आर कंटिन्यूइंग योर क्लास फॉर लास्ट वन मंथ, नाउ यू आर ऑन द स्टेज दैट यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग सेक्शन। व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऑफकोर्स यू हैव टू कम टुमॉरो टू अटेंड द क्लास,
We will continue the class tomorrow also. Let's meet tomorrow. It's all for the day. Now see you tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat.